हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसडी आज फिर से एक नया वीडियो लेके AWS के ऊपर मैं आया हूँ। तो आज बेसिकली जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो है सिक्योरिटी सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ AWS। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप एंड क्या चीज़ क्या है, क्या काम पे ये लगता है, कैसे ये काम होता है, क्यों ज़रूरत है, ये सब चीज़ लेके मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मेनली ये पहले सिक्योरिटी ग्रुप आप देख सकते हैं AWS के लॉगिन करने के बाद, ये आप जब यहाँ पे आपका डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड के बाद आप जब EC2 सिलेक्ट करोगे तब आपका ये पेज ओपन होगा। इसके बाद आप नीचे जस्ट नीचे ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप आपको दिखेगा। तो ये मेरा ऑलरेडी दो सिक्योरिटी ग्रुप है, एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर द VPC सिक्योरिटी ग्रुप एंड ये जो SD है ये मेरा किया हुआ है। तो सिक्योरिटी ग्रुप मेनली क्यों लगता है, AWS में आप किसी पोर्ट को इनेबल करना चाहोगे तो वो आपको सिक्योरिटी ग्रुप मैंडेटरी है। क्यों लगता है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप आपका हर एक पोर्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको एक्सेस देंगे किसी भी पोर्ट को और किस पोर्ट को ब्लॉक करेंगे। नॉर्मली हर एक पोर्ट यहाँ पे ब्लॉक रहता है, आपको खुद इसको इनेबल करना पड़ता है जो जो पोर्ट आपको रिक्वायर है ओपन करने के लिए। तो मैं दिखा देता हूँ, ये है मेरा सर्वर। आज जो मैं दिखाऊंगा इस सर्वर के ऊपर, एक्चुअली ये मेरा मेन सर्वर है। तो इसमें पहले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया था कि कैसे PHP इंस्टॉल होता है, कैसे PHP MyAdmin इंस्टॉल होता है, ये सब कुछ मैं दिखा चुका हूँ। आज ये पोर्ट कैसे इनेबल करते हैं एंड आउटसाइड द सर्वर कैसे एक्सेस करते हैं वो दिखाऊंगा। ये देखिए वही सेम IP, ये जो IP है सेम IP मैं यहाँ पे डाला हूँ। तो ये नॉर्मली आपका देखिए नॉर्मली पोर्ट 80 पे चल रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर वही सर्वर को PHP माई एडमिन से कनेक्ट करूँगा तो ये भी चलता है। तो PHP माई एडमिन 3306 पोर्ट पे चलता है और PHP और चलता है अभी के लिए 80 पोर्ट। आप कोई भी पोर्ट पे चला सकते हैं मगर वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। आप किसी एप्लीकेशन को कोई भी पोर्ट से चला सकते हैं मगर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो ठीक है, तो अभी इस सर्वर के लिए हम लोग देख लेंगे क्या क्या पोर्ट हम लोगों का इनेबल है। पहले आप देखेंगे कि कैसे एक सिक्योरिटी ग्रुप असाइंड है। मेरा यहाँ पे इस सर्वर पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो वो नीचे ड्रॉप डाउन में आपको इसका डिटेल्स देगा, सिक्योरिटी ग्रुप। अब देखिए SD बोल के एक सिक्योरिटी ग्रुप है, ठीक है। तो अभी मैं चला जाता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप में। सिक्योरिटी ग्रुप में मेरा ये वाला SD है सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट इनेबल हैं हम लोग देख लेंगे। इनबाउंड में मैं गया तो यहाँ पे देखिए ऑल एक्सेसिबल, HTTP कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, SSH कहीं से भी हो सकता है। ये आपका कस्टम पोर्ट जो है 21 वो FTP के लिए है और 3306 जो मैं बोला था MySQL के लिए है और 443 HTTPS के लिए है। तो पहले हम एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। ये है टेस्ट डिस्क्रिप्शन, भी टेस्ट देते हैं। अभी ऐड रूल्स क्या क्या चाहिए,
यहाँ पे मेरा अभी के लिए जो जो चाहिए वो है HTTP कस्टम है, ये एनीवेयर करता हूँ, और एक चाहिए MySQL। ये भी ऑल एनीवेयर कहीं से भी एक्सेसिबल करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप मेरा बन गया है, तो अभी एक चीज़ देखते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप से अगर कोई पोर्ट हटा दे तो क्या होता है। ये मेरा पोर्ट 80 HD में इनेबल था, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, और 3306 भी। अब सेव करता हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। एक्चुअली कैसे में मेरा पकड़ के रखा है, ये कभी भी ओपन नहीं हो सकता क्योंकि मैं सर्वर से ये बंद कर चुका हूँ। ये जो आप लोग देखे ये कैसे में पकड़ के रखा है, ब्राउज़र कैसे। तो अभी मैं देखता हूँ इतना टाइम के बाद भी ये खुल नहीं रहा है पेज, तो मैं ये सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना चाहता हूँ। कैसे चेंज कर सकते हैं, सर्वर पे आप जाइए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए जो आपको सर्वर है, उसके बाद आप यहाँ से नेटवर्क में जाइए, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप। ये मेरा HD सिलेक्ट था, मैं टेस्ट वाला कर दे रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये खुल जाएगा, देखिए ये नॉट रिस्पॉन्डिंग था, ये खुल गया। अभी मैं PHP माई एडमिन भी यहाँ पे शायद खुल गया होगा, ये देखिए PHP माई एडमिन भी खुल गया, ये भी दिखा रहा है। तो ये था सिक्योरिटी ग्रुप का आपका लेसन। और एक जो चीज़ आप सिक्योरिटी ग्रुप को आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे मेरा ये था, अभी मैं एडिट कर रहा हूँ, ये मैं कस्टम वाला बात देके माय IP कर देता हूँ, ये भी कस्टम वाला बात देके माय IP कर देता हूँ। तो अभी इसको सेव करने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे मशीन से ही ये दो ओपन होगा, मतलब ये जो PHP है और जो PHP माय एडमिन है, ओनली मेरे मशीन से अभी के लिए ओपन होगा। ये दूसरा कहीं भी जगह पे आप अगर हिट करोगे तो ये नहीं दिखाएगा। तो ये था सिक्योरिटी का लेसन, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप कस्टमाइज तरीके से और पोर्ट ऐड कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो के एंड में मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट पे लिखिए कि आप लोगों को और किस किस चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो देते रहूँगा। थैंक यू, सभी को नमस्कार।